हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे। तो भाई लोग, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ आयुष सिंह ठकोरी के इंटरव्यू पार्ट फोर में। यार आप लोग के बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कि भाई पार्ट फोर ले आओ। तो भाई लोग, मतलब इस तरह ये आप लोग के बहुत यार मतलब जो है कमेंट्स आते हैं कि आपने मतलब इंटरव्यू इतनी बड़ी कर लिया यार, मतलब पार्ट फोर पार्ट फाइव क्या लगा रखे। भाई लोग, इसके बाद डायरेक्ट ये पार्ट फोर, इसके बाद लास्ट पार्ट आएगा, क्योंकि भाई इंटरव्यू मतलब 2 घंटों की इंटरव्यू है भाई। तो मतलब ये यार आप भी बोर हो जाते होंगे यार, मतलब 20 मिनट की वीडियो बहुत होती है भाई लोग। मतलब मैं अगर 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो लाऊँ तो भाई मतलब आप भी बोर होंगे और मतलब मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं इसको मतलब पार्ट में ला रहा हूँ। तो भाई लोग देखते हैं और इन्जॉय करते हैं क्यूटेस्ट वीडियो जो है इंटरव्यू जो अली ले रही है, आयुष से इंटरव्यू ले रही है। तो दोस्तों देखते हैं, और वो सवाल था जिधर से हमने मतलब स्किप किया था। तो भाई मैं मतलब इनको मतलब 1 सेकंड का भी मैं वीडियो को मतलब स्किप नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई बहुत मज़ा आ रहा है इसके इंटरव्यू में, मतलब बहुत क्यूट इंटरव्यू है। तो वो सवाल था जो है अलीज़ा कर रही थी आयुष से, के मतलब ऐसा कोई ऐसा हैप्पीएस्ट मोमेंट जो आप हम मतलब फैंस के साथ जो है शेयर करना चाहते। तो उधर से भाई वीडियो को इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं और साथ में देखते हैं, इंजॉय करते हैं। तो भाई लोग उधर से ही स्टार्ट करते हैं। ये हो गया भाई लोग, एक मिनट यार स्टार्ट, अभी देखते हैं। एक ऐसा हैप्पीएस्ट मोमेंट जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं भाई। बिल्कुल, मतलब देखो मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं किया, मतलब कि यार ओ माय गॉड, मतलब वो सोच के ही आपके खुशी आ जाती है। हैप्पीएस्ट मोमेंट, हैप्पीएस्ट मोमेंट एक वो याद कर रहा है अभी, क्या है मेरे हैप्पीएस्ट मोमेंट, बहुत ज्यादा यार। अब तो यार पहले तो मतलब कुछ था ही नहीं, तो सस्ता ही नहीं था। अब तो बहुत ज्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट है, किसको मतलब बस एक ही तो बोल नहीं सकता। जैसे कि 3 लोग को, जैसे घर में माँ को दादी को प्यार करता हूँ, तो बस एक लोग को कह नहीं सकता हूँ उनके सामने। तो इसे ही हो रही है यार अभी तो फिलहाल। बहुत ज्यादा चीज है, पर एक शेयर करता हूँ कि मेरी दादी जब गाँव में थी, अच्छा मामा जी अच्छा मतलब सुदूरपश्चिम इधर नेपाल के अच्छा असम नहीं अच्छा अच्छा तो गाँव का नाम है उधर। क्या होता है, हम पानी नहीं आते, ठीक है, मतलब हमारे घर में तो पानी है, टैंकी वगैरह खींच के लेके आते। तो दादी हमारे घर में क्या हो गई थी, एक बार आई नहीं पानी, तो पानी खत्म हो गई थी। दादी गई थी नीचे, वो ऐसे कुछ करके जो होते ना उससे पानी निकालने के लिए, तो दादी ऐसे पानी निकालने के लिए गई थी उधर घर के लिए खाना वाना बनाने के लिए। तो उसके बाजू में एक पुलिस स्टेशन है, अच्छा, तो उधर गार्ड वार्ड होते हैं पुलिस की, बिल्कुल सही बात है। तो जब दादी गई वो पकड़ के, वो जो होते हैं सामान वामान, तो गार्ड ने देखा उनको, सीधा आके दादी के हाथ से वो ले गए वो, अच्छा। तो बोला कि आप बैठिए, मैं जाके कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप बैठिए, हम घर तक ले जाएंगे, वो जो हमारी पुलिस होती है। तो दादी बैठी उधर, जाके बैठी, पानी वानी दिए, पानी वानी पिलाई दादी ने। तो दादी के साथ बात करने लगी कि आपकी पोते आपकी ये वो ऐसे ऐसे, वो आपके फैंस दिखले। हाँ, फैंस मतलब प्यार करने वाले बहुत, ओह माय गॉड, फैंस ये मतलब यार क्या बात है यार। तो मुझे तो तब तो मतलब दादी यार दादी को ऐसे कह रहे होंगे जैसे लग रहा, और बाद में पता चली यहाँ रियली थी। तो बहुत उस दिन तो मतलब पता नहीं वो गई थी, प्राउड फील हुआ, देखा भी नहीं था मैंने, मैं उधर था भी नहीं, बस सुनने से मुझे एक गूज़बम्प्स टाइप की होते ना, एक वो गई थी। क्या बात है, जबरदस्त भाई। कोई ऐसा हिडन टैलेंट आपके पास है? हिडन टैलेंट हां जी, होगा भाई। मैं असल में बोलते, मैं खुला किताब हूँ यार, जो मेरी लिखती है वही, कुछ सही नहीं जो छुपाया हूँ। मतलब खुद के दुख होंगे, कोई गुजरा हुआ कल होगा, पर जो टैलेंट वगैरह इधर असल में कोई टैलेंट ही नहीं, फिर भी बस सही थोड़ी वरी मतलब अभी तक नहीं दिखाया हूँ मैंने किसी को, पर आर्ट वार्ट बना लेता हूँ, ड्राइंग आर्ट। अच्छा, वो टैलेंट मतलब वही है, ड्राइंग में क्या बात है यार, टैलेंट ही कुछ भी, कुछ छवि बना के तो दिखाओ आप, पेन और पेंसिल से इंस्टा पे क्या ही बना सकते हैं, कुछ भी। एक बार आपने मेरा स्केच बनाया था, कार्टून बना रहा हूं भाई, तो बहुत बड़ा थे वही दिखा रहे हैं, नहीं वही दिखा रहे हैं, नहीं मान रही है यार, हम तो मानते हैं। आज बहुत क्विक मतलब मैं सीख लेता हूं हर चीज, बात हर एक चीज बहुत क्विक लर्नर, एंड क्विक लर्नर। नाइस, इन फ्यूचर क्या अपना हेयर स्टाइल चेंज करोगे? अच्छा, ये नहीं यार, पहले दिल कर रहा था चेंज करने के लिए, तो स्ट्रेट बना रहा था, तो फिर बाद में जाके ऐसी होती थी, तो अब बहुत टाइम वेस्ट नहीं करनी मुझे।
बाल पे मतलब तो जो टाइम मिला नहीं है वेस्ट करना है। वही उसमें रहो, उसमें कुछ रहो। अगर मतलब ये टेढ़ी मिली है, एक दांत टूटी हुई मिली है तो ठीक है, उसमें कुछ रहो। मतलब पैसे डाल के मुझे वो बनाना नहीं है, ठीक है जो मिली है ठीक है। यार 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 स्टाइल बहुत अच्छा है यार। कोई ऐसा फेयर आप इससे तो अच्छा है यार, किसी चीज से आपको डर लगता हो या कुछ ऐसा? मुझे हाँ, मुझे डर किसी चीज से याद कर रहा है अभी मतलब। और फिलहाल तो ऐसे तो पहले से कुछ नहीं थी ये डर वर कुछ, ऐसे तो कुछ नहीं थी। और नाम की कोई चीज ही नहीं है भाई, ठीक है कि को खोना दूँ इसको। किसको? जिसको मतलब अली जी खोया था तब मिला था तो वही है। ये कि मतलब अली जी तेरे क्यों दे रहे हैं? घूम गया था ठीक है, मतलब उस टाइम जब मैं उसके साथ मिला था ठीक है भाई, तो मैं तब मैं खो गया था किसी चीज में। पर मैं जब खोते खोते उसको मिल गया मैं। क्या बात है, खोते खोते जब मैं उसको मिला मतलब मिल गया तो मैंने खुद को पाया। ओ ओ वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। कर ले सब। हाउ डू यू फील बीइंग विद हर? ओहो कैसा लगता है भाई? आनंद सा पीस वही एपिसोड। आपको कुछ ऐसा है कि मतलब वो किसी चीज़ से रोकती हो या फिर तंग करती हो या फिर शी इज़ वेरी डिफरेंट इन रियल मतलब रियल लाइफ एंड शी इज़ मतलब डिफरेंट इन लाइफ, कुछ फेकनेस कुछ? नहीं वो रोकती तो है चीज़ों में, अपने छुपा करने की दिल करती है पर वो करने दी उनकी उनके में क्योंकि आराम होती है बोलते आ रहे तो कुछ नहीं होती, मतलब कुछ नहीं होती मतलब कर सकते खुद की मर्जी होती है सर ठीक है अभी मतलब हो जाएंगे अभी धीरे धीरे क्या ही है मतलब 2 साल की तो बातें अभी तक मतलब 20 साल तक तो ना करके बैठ रहा था, अब 2 साल में कौन सी बड़ी होगी ठीक है, अब 2 साल के बाद होंगे जो भी मतलब उसके बारे में मतलब गलत बोलेगा वो मतलब मौका पड़ेगा मतलब साथ में ही कुछ बोल उसकी फेकनेस का सही है कि वो बोलती थी कि मेकअप नहीं पहनती हूँ, बहुत मेकअप पहनती है और टाइम नहीं लगाता हूँ, बहुत टाइम लगाती है रेडी होने पे और टिकटक बनाने में तो कसम से, और गुस्सा इतनी जल्दी हो जाती है मैं तो बेगा नहीं सॉरी बस पॉज हो गया। आपकी फैमिली के बारे में कुछ बताओ, मतलब हमने देखा है कि आप अपनी फैमिली को अपनी टिकटॉक में इतना ज़्यादा नहीं शो करवाते, मतलब सिर्फ हजरामा की ही ज़्यादा बात करते हो आप। आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? मेरी फैमिली में ऐसे कुछ 5 से कौन कौन? 6 दो मामा हो गए, मम्मी दादी कुसुम और अभी तो फिलहाल भाई भी आया है और मेरे 2 बच्चे वंशु और जिन। उनके बारे में बाद में पूछूंगी। कुसुम के लिए आप ये बोलते हो कि आपने उसको खाना 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 बनाना सिखाया है, क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है, मेरी मामा और मम्मी ने भी बोला था आपके सामने। तो आपको खाना बनाना आता है? बिल्कुल यार, जाहिर सी बात है यार, क्यों नहीं आएंगे यार, जब मैं अकेले रहता था तो कौन खिलाता था यार, बाहर से खाने के लिए पैसे नहीं होते थे तो खुद ही बना के खाने पड़ता था, अपने मतलब सिचुएशन ने मुझे मतलब सिखाई सब चीज़। ठीक है भाई। वो छोटी थी और पहले से जब छोटी थी तब से हम साथ रहे, मेरे इधर हमारे इधर भी हम साथ में रहते थे मामा के साथ मम्मी के साथ, और खाना पकाना तब मामा कॉलेज जाते थे सुबह ही इंजीनियरिंग कर रहे थे तो घर में रहता था कुछ उम्र में, और मैं भी स्कूल जाता था और कुछ उम्र में सेम स्कूल में थे तब, तो उसमें बेचारी बहुत छोटी थी और वो थोड़ी मतलब वीक भी फील करती थी ना छोटी, तो समझ भी नहीं आती थी उतनी, तो 2 साल की थी ना उसके मिस करेंगे यार मतलब, तो उसका मतलब बाल बाल वो हमारे इधर क्या होती थी मतलब स्कूल में भी वो बाल को ऐसे क्या बोलते हैं उसको, चोटी, हाँ चोटी चोटी बना के बाटनू बोलते हैं, बाल को बाट के मैं उसको तेल लगा के डाल के मतलब बाट के खाना वाना खिला के बना के खिला के बेचता था। इतने छोटे होके आप भी? हाँ तब मैं ऐसे कुछ 10-11 था, 20 साल का था माशाल्लाह, मतलब 10-11 साल की उम्र में आप उसको चोटी बनाते थे, खाना खिलाते थे और भेज देते। वाओ क्या बात है। अभी तो मतलब भूल गया होगा यार पर आती है मुझे, अभी आती है, आती है थोड़ी मतलब कम आती है, बहुत अच्छे से आती है आपको। आपने अपने जो दूसरा आपका बेबी है डॉग उसका नाम जेम क्यों रखा? जब वो आ गई तो वो भी आ गई
तो एक तो मतलब हमारे से हो गया इनाम, और एक उसी से कर लेते हैं फैमिली, तो जो भी नाम रखे एक ही है तो उसके हिसाब से रखा। तो आपको अलीजे का जैम क्यों नहीं पसंद? मुझे बिल्ली ऐसे थोड़ी मतलब पता नहीं, मतलब बिल्ली क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि जब मैं छोटा था, असल बात क्या है कि मतलब हम गांव में रहते थे जब मैं छोटा था, ठीक है, गांव में बाहर थी, दादी थी गांव में, दादी के साथ रहता था, तो दादी हमारे गांव में क्या होती थी, मतलब बिल्लियां बहुत आती थी और बच्चे बच्चे पैदा करके चले जाते थे, इतनी बिल्ली थी, इतनी बिल्ली थी यार, मतलब चार पांच बिल्ली माँ थी, ठीक है, और वो चार पांच की बच्चे कितने होंगे सोचो, तो इतनी बिल्ली थी यार, हर एक जगह देखो बिल्ली बिल्ली में होंगे करते रहते। उसके बाद मुझे पसंद नहीं आने छोड़ दी, खाना खाते वक्त भी सामने आते थे, टॉयलेट जाते वक्त भी मतलब कुंडी नहीं लगती थी, टॉयलेट बिल्ली देख लिया क्या आप जिंदगी, मुझे देखनी नहीं किसी कोई बिल्ली, तो इसी वजह से यही वजह। लेकिन आपकी पार्टनर को तो बहुत पसंद है, अलीजे को बहुत पसंद है, बहुत उसको पसंद है, ठीक है ना यार, मतलब आयुष को भी पसंद आ जाएगा, लेना मुझे उससे लेना देना, वो मुझे पसंद है, पसंद है बिल्लियां। ओके, आपका फेवरेट सिंगर? सिंगर बॉलीवुड में बताओ यार। तो आपको अरिजीत सिंह, अच्छा, उनके गाने काफी अच्छे लगते हैं। ओहो, बहुत अरिजीत सिंह आपको मौका मिला उनसे मिलने का, मिलेंगे जरूर यार, खुद खुद के जाऊंगा यार, क्यों नहीं, मतलब पर्सनली मिलने के लिए। अच्छा, अगर मिली तो, मिली तो क्यों नहीं जाएंगे। आपको उनका अभी रीसेंट फेवरेट सॉन्ग कौन सा लगता है? अभी उसका कौन सा सॉन्ग है? हाँ, मुझे फिर और क्या चाहिए, कौन सा? तेरे हवाले, थोड़ा गा दो, तेरे हवाले थोड़ा गा दो, अभी फिलहाल गाने की गाओ यार, मतलब आयुष गाओ यार, हिंदी में आयुष का मैंने सॉन्ग नहीं सुना, नेपाली में। तो अभी आप इंटरव्यू के बाद कहाँ जाएंगे? अभी हम इंटरव्यू के बाद कल के लिए रेडी होना है, थोड़ी वो शूटिंग के लिए काम में, और उसके बाद खाना वाना खाने जाएंगे घर, उसके बाद सोएंगे। ठीक है भाई। तो आपके जो मतलब फ्यू हेटर्स हैं, आप उनको कुछ बोलना चाहोगे? कुछ ही मत बोले यार, ठीक है। बस ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब दे सकते हो तो प्यार दो, बात तो नहीं, ठीक है, क्योंकि हेट करने से खुद की मतलब कोई मतलब कोई पसंद नहीं आए तो मतलब तो उसी वजह से हेट करते तो उसमें मतलब उस बंदे तक तो पहुंचेगी नहीं, पहुंच भी गई तो उसको कोई परवाह नहीं, क्योंकि ऐसे करते रहते, पर जो हेट कर रहे हैं वो लोग एक इंडिविजुअल, वो खुद को तकलीफ में क्यों दे रहा है यार, खुद को प्रेशर करके उसको ये वो, उसका तो ना कुछ बिगाड़ा होगा ना तो कुछ किया होगा, और की है तो ठीक है, वो जाहिर सी बातें करना चाहिए, गाली करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, पर भी आजादी का इधर अहंकार तो हेट करते होते मत करिए, प्यार करिए, सबको प्यार बांटिए, अच्छे से रहिए। आप जब हेट कर रहे हो तो आप अपनी जबान खराब कर रहे हो, आप खुद को ही वो कर रहे हो, उनका एक मेंटल भी वो प्रेशराइज कर रहे हो, वही बिल्कुल सही बात है भाई। अच्छा अच्छा, इन फ्यूचर अगर आपको मौका मिले तो आप क्या अलीजे का फेस रिवील करवाएंगे? भाई ये आ गया सवाल, कि आपको ये अपने तक रखना है, ये काफी मतलब लोग बोलते हैं कि फेस रिवील करो ये वो, ठीक है, तो उसने जो नकाब किए उसकी कोई फायदा नहीं रहेगी उसमें, तो जो अब तक कर रही है, लोग आते इधर आके भी मतलब साथ में रह के बैठेंगे खाएंगे, उसका मतलब ये नहीं कि मतलब सब कुछ चीज़ें होती है, मतलब बस अपनी होती है, उसका मतलब वो प्यार करने की जो दृष्टि हो गई, ठीक है, तो अपने लोग होते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि मतलब वो नकाब करते हैं, उसके रीज़न है, एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, बस उसकी फेस ना देखने से प्यार कम नहीं हो जाती, क्या उसकी फेस में कुछ है नहीं इतना कि बस उसकी फेस देख के हम प्यार करेंगे, उसकी हैबिट देखिए, दिल दिखे, दिल कैसी है, बस दिल देखे, फेस देखेंगे यार, अब बाद में क्या होगी, बस मेरे कहने से नहीं। आपने क्या सोचा है फ्यूचर प्लानिंग? फ्यूचर प्लानिंग ये किसी को नहीं, क्यों नहीं, वो तो आप देखेंगे यार, देखे जाएगा कितना होगा आप हनीमून पे कहां जा, कैसी बात है यार, किसी को यार इंटरव्यू यार कैंसिल कर रही है, मेरी मैनेजर बोला मैं हां पूछ अच्छा, आर यू गुड इन स्पोर्ट्स? फुटबॉल एंड
वी नीड प्रूफ मेडस जाओ मैं तुम्हें जाके गाइस आई विल पोस्ट इट अगर मुझे दिख गए तो बिल्कुल डन ओके कोई एंबैरेसिंग मोमेंट जो आप शेयर करना चाहो हमारे साथ मेरी मतलब कोई ऐसा एंबैरेसिंग मोमेंट आवे यार ये क्यों हो गया मेरे साथ ये क्यों यार मतलब अब बिल्कुल ही लाल टमाटर हो गए एंबैरेस हो गए बिल्कुल मतलब हो जाता है भाई कभी कभी अल्लाह ये क्यों हो गया कोई ना कोई मोमेंट तो होगा मोमेंट इस तो सही नहीं है मेरी नहीं कुछ याद करो होगा मैं अपने आप खुद बहुत मेंटेन करता हूं मतलब मेंटेन क्यों यार मैं जो है वही करता हूं यार जो आती है दिल से वही करता हूं तो उसमें मेरी सुनने की क्या जरूरत है क्या बात है पर एक बार क्या हो गई थी ये क्या है कि मामा की बात है तो सोच के भी हम रेड हो गए हो मामा देख रहे होंगे अभी मेरे मामा की झुंड बुला रहा था अच्छा हां कि एक डांस थी एसएस करके एसएस ओके तो मुझे बहुत हंसी आई वो गाने में पूरे टन 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 साथ में देखे हमारे टेरेस में तो मैंने टिकटॉक में शेयर किया आपसे ठीक है तो मैंने आपको शेयर करने जा रहा था और आपको शेयर करके मतलब उसके नीचे जो टाटा करके शेयर है ना एक साथ तो मैंने आपको शेयर करने से पहले उसके नीचे क्या लिख दिया था कि मामा को देखो बोल के हाँ 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 तो मामा की डांस थी तो मैंने भेज दिया था आपको शेयर कर दिया था टिकटॉक में गलती से मामा की इसमें प्रोफाइल क्लिक हो गई चली गई अब टिकटॉक में आंसर नहीं कर सकता हम तो मामा क्या करते कि मेरी सांस फूल गई एक साथ अनशन करता हूँ अरे यार ये तो बस मेरे से होती उधर नहीं होती हाँ तो अनशन करने कर भी नहीं पा रहा था तो वहाँ सीन कर ली और सीन करने के बाद मामा क्या देखते अब मेरे डर रहा था ठीक है क्या टाइप करेंगे क्या टाइप करेंगे कहीं रूम में था मैं ऊपर मामा के रूम नीचे तो मुझे क्या लगा मैं ऐसे चुपचाप सुन रहा था कि मतलब बेड से उतरी तो नहीं कुछ आ रहा नहीं तो मामा ने क्या भेजा ऐसे करके हंस के इमेजिन बस दाँत हंस स्मेल आ लेते दाँत खा हुई वो इमेजिन के साथ क्या हुआ वो क्या तो मैंने बोला ए सॉरी नहीं मैंने बोला ए कह रहे ये शेयर करना चाहिए शेयर करने से अच्छी जाती है वीडियो बोल दिया तो वहाँ ठीक है इसलिए शेयर कर फनीस्ट मोमेंट मामा को लेकर क्यों भाई क्यों को नहीं बंद आवाज रहे तो नंबर दे ले एक्सप्लेन करो मामा को लेकर एक बार क्या हुई थी हम दोनों लड़के ठीक है लाइव एंड करे तो मामा भाई इतना फनी मोमेंट है तो क्या है क्या कुछ करने थोड़ी क्या हो गई थी कि मामा मतलब रोके टिकटॉक डाल रहे थे बस इसी एंटी की तो इसी कुछ कुन बाटोले इसी कुछ होते हैं ना लोग डर टाइप के तो इसपे मतलब रोके ऐसे आस मतलब ऐसे करके करके आंसू निकाले हुए वीडियोस डाल रही पोस्ट कर रही थी उसने मामा ने तो हमारी जो लाइव एंड हो गई तो उसकी एडवर्टाइज के लिए मांगा कि वो वीडियो बार बार 10-20 मिनट के लिए बार बार रीटेलीकास्ट कर रिप्ले करके बस रिप्ले यार वही वीडियो तेरा मामा की रुई दूसरा कोई वीडियो नहीं देखा क्या वो बंदने की मामा की वही वीडियो देखा और मामा मुझे भेजते ठीक है क्योंकि मामा जब हमें लाइव नहीं देख पाते तो रात में सोने से पहले सोने के लिए मामा को भी एक आदत बन गई कि लाइव देखते हैं तो यूट्यूब पे जाके देख रहे थे मामा आज की लाइव कैसे गई इन लोग की लड़ाई कैसे हो गई टिकटॉक में आ गई थी लड़ाई हुई तो लड़ाई कैसे हुई जाके देखी मामा ने तो 5 मिनट की लाइव हुई थी हमारी लड़ाई हो गई थी हम एंड कर दी और वो 16 मिनट की वीडियो 16 मिनट की थी तो 5 मिनट की बस लाइव थी यार लड़ाई हो गई खत्म हो गई और 16 मिनट की वीडियो में बस एक ही रिप्ले हो रही है एक रिप्ले यार मुझे मामा ने भेजा अरे बोलते ये कौन है इसको बोलो कि हटाए ये कौन है ये क्या कर रहा है आयुष देखो ये मामा इतने इनोसेंट हो गए पूछे मुझे तो मैं पता नहीं यार मैंने खोला तो सुन में तो लाइव ही खुलती है ना स्टॉप कर देते क्या हुआ मामा क्योंकि जो है वीडियो बस यार 20 मिनट की हो गई मेरा ख्याल नहीं था मतलब 20 मिनट से ज्यादा हो गई वीडियो भाई लोग तो ये वीडियो मतलब काफी आज के लिए इसके बाद यार डायरेक्ट मतलब आप लोगों के यार बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे खत्म करो ये इंटरव्यू भाई मुझे मतलब यार इतना मजा आ रहा है मतलब वो इतने क्यूट क्यूट जो है क्वेश्चन पूछ रही है जो है आयुष से तो इंटरव्यू में बहुत मजा आ रहा है भाई लोग अभी मतलब इसके बाद डायरेक्ट लास्ट पार्ट आएगा क्योंकि वीडियो मतलब एक 20 मिनट की आधे घंटे की वीडियो अलग एक बन जाएगी जिस तरह मतलब वो अपने मतलब
बहुत सारे किस्से होते हैं यार हम सबके मतलब लाइफ के, वो मतलब वो शेयर कर रहा है। तो बिल्कुल यार, मतलब वो पहले यार मिडिल क्लास था, तो मतलब सब हम सब अब सबके साथ मतलब ऐसे जो है मूवमेंट्स होते हैं यार, मतलब जो है जो मतलब फनी होते हैं। बाकी दोस्तों यार, मैं तो यार इस इंटरव्यू को मतलब ये अभी ख़त्म हो जाएगा, लास्ट पार्ट मतलब अभी कल परसों आ जाएगा यार, मैं बनाऊंगा, लेकिन ये पार्ट 4 है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मैं तो मतलब इस इंटरव्यू को यार मिस करूंगा, मतलब बेस्ट इंटरव्यू थी यार, और मैंने मतलब मैंने बहुत हम सब ने यार बहुत इन्जॉय किया मतलब इस इंटरव्यू को। तो बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इनके मतलब लास्ट पार्ट में मिलते हैं इस इंटरव्यू के। तब तक के लिए आपके भाई को इजाज़त दो, खुदा हाफिज़।